हेलो फ्रेंड्स, ये टीचर्स डायरी मेरी एनसीईआरटी मैथ्स क्लास फोर्थ और फिफ्थ के लिए है। ठीक है ना, ये फ्रंट पेज है। इसमें जैसा कि सब मेंशन रहता पहले कि मैंने डायरीज में बताया है, हमारा नाम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, क्लास कौन सी ले रहे हैं, क्या पीरियड, कितने पीरियड, वो सब यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद स्टार्टिंग है ये पीरियड यहाँ से। तो यहाँ पर क्लास फोर्थ का पहले दिया हुआ है मैथ्स का चैप्टर थ्री से लिखी हुई है ये, अ ट्रिप टू भोपाल। ठीक है ना, ये मैथ्स का क्लास फोर्थ का है। देखिए आप अभी क्या लिखा हुआ है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी अ ट्रिप टू भोपाल। ओके, और फिर उसके बारे में डिस्कस करूँगी। अब उसमें टीचर एक्टिविटी क्या कराई जाएगी वो यहाँ पर बताया गया है। लर्निंग आउटकम क्या होगा, कि बच्चे मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे इससे। देखिए आप किस तरह से लिखना है, 7 डेज के लिए लिखी हुई डायरी है। अब ये क्लास फिफ्थ का है चैप्टर थ्री, हाउ मैनी स्क्वायर। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है। आप भी इस तरह से डायरी को लिख सकते हैं, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास फोर्थ और फिफ्थ के लिए है ये। यहाँ पर कंप्यूटर का ये चैप्टर दिया हुआ है क्लास फोर्थ के लिए। पीरियडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, उसका टाइम टेबल यहाँ पर मेंशन किया गया है। चैप्टर थ्री ट्रिप टू भोपाल उसी के बारे में और है, क्योंकि 1 वीक में कोई भी चैप्टर फिनिश नहीं होता है, बिग चैप्टर हैं तो 2-3 वीक में होते हैं, उनको बार बार एक्सप्लेन करना होता है। ये क्लास फिफ्थ का चैप्टर थ्री है, हाउ मैनी स्क्वायर्स, इसके बारे में है ये। क्लास फिफ्थ के चैप्टर का ही है ये, हाउ मैनी स्क्वायर्स। टीचर एक्टिविटी क्या होगी, तो फुटप्रिंट एक्टिविटी कराई जाएगी। कैसे कराई जाएगी वो यहाँ ड्रॉ करके बताया गया है। लर्निंग आउटकम क्या होगा, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बताया गया है यहाँ पर। ओके, आगे के चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू।